लड़कियां हैं उनको तो पता ही होगा कि अपने मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है, जैसे कि मैं तो किसने बनाई? मम्मा ने? माँ ने बनाया? कहाँ से आई? हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ कल की थकान के बाद हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग क्या, सिर्फ मैं उठी हूँ, मिस्टर जी और अभी दोनों सोए हुए हैं। और बाहर जैसे ही मैंने विंडो ओपन की तो मैंने बाहर का नज़ारा देखा और बाहर लगी हुई थी बारिश। वैसे तो कल रात से ही बारिश हो रही थी, 10 बजे से बारिश हो रही थी। हम जैसे ही पहुँचे उसके बाद से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और नॉन स्टॉप अभी हो ही जा रही थी। और जैसे ही मैंने डोर खोला तो मुझे ये नज़ारा देख के इतना सुकून मिल रहा था ना, इतनी हरियाली और इतनी ठंडक। ओह माय गॉड, बाहर का ये व्यू देख के कितना अच्छा लग रहा है पूरे एक साल बाद। और आप देख सकते हैं फॉग लगे हुए हैं। बाकी अपने गार्डन में क्या क्या लगाया है ये बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे फ्लावर। 5 मिनट में बाहर खड़े रहूंगी क्योंकि बहुत टाइम बाद ये नज़ारा देख रही हूँ तो आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, वहाँ तो हम दिन के 4 या 5 बार नहा रहे थे और यहाँ तो इतनी ठंडी हो रही है ना, कंबल ओढ़ने की नौबत आ रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मिस्टर जी और अभी भी सोए हुए हैं। कल की जो थकान है ना पूरे रास्ते की, अभी तक इनकी मिटी नहीं है, इसलिए दोनों आप देख सकते हो कितनी गहरी और चैन की नींद सो रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राम। हम कहाँ हैं बताओ? किसकी घर में? पिथौरागढ़ में। ऊपर अच्छे से बैठो ना, अभी खेलोगे पहले ऊपर। देखो उठते उठते उसको क्या चाहिए है, JCB। हो बस, उसको उठते उठते और किसी से मतलब नहीं है, देख रहा बस खेलना चालू। मिस्टर जी अभी भी सोए हैं, अभी तक उठे नहीं, इतनी थकान लग गई है। ओ अभी को देखो मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं कि मैं मम्मी से मिलूं, बात करूं। मम्मी को तो प्यार किया ही नहीं आज। प्यार कर दो, प्यार तो कर दो। ओए ओए, पहले गाड़ियों से। हम तो पिथौरागढ़ में हैं। अब कल हम चुनू दीदी के पास जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे बताओ? कल कहाँ जाएंगे हम? बोलो बोलो। किसको किसको दिखाओगे? कहाँ है दादी माँ? JCB आपके लिए दादी माँ ही लाई। आप क्या, बस दादी माँ को दिखाता हूँ। उठते उठते उठ गया। प्रणाम बोला आपने? प्रणाम तो बोला नहीं, इतना बोला, इतना बड़ा तो उठो। इतने दिन कहाँ थे बोलो? दिन तो भी लाया। मैं तो यहीं थी पिथौरागढ़ में। उठते उठते बोल, मेरी JCB कहाँ है? उठते उठते JCB याद आ गई। तो आमा है फोन में, देख तो आमा जी। बोलो अम्मा जी, प्रणाम अम्मा जी। बोलो अभी के तो यहाँ आके मजे हो रहे हैं ना अभी, है ना? जब चाहे इधर घूमो, जब चाहे उधर घूमो, खाओ पियो हैं। अभी टाइम कितना हो गया, वो टाइम दिखाना जरा। तो 12 बजने वाला है और अभी भी बारिश नहीं थमी है। कल रात से जो स्टार्ट हुई है, रात के 10 बजे से अभी तक बारिश आने में है। सब तो कम ही आ रही है, रात को तो कितनी आ रही है। सब लोग अपने अपने घरों में बंद है। अच्छे से आ गए। आज कौन आया हमारे घर पे? आज खुश रहो नी, ठीक है? वाह चिटिया आंटी अना अच्छे तो बाल लग रहे हैं नी। किसने बनाए? मम्मा ने? माँ ने बनाया? हाँ बैठो।
अभी आ रहे नहीं आ रहे पास, अभी आ रहे नहीं आ रहे पास। लड्डू कहाँ है? लड्डू आया है, चल घर चले गए। क्यों? पता नहीं। और देखो अल्लाह ते तोड़ दी इसने जैसी भी। आपने क्या दीदी को प्यार किया? नहीं तो अभी आया दीदी के साथ तो ये है? आप दीदी को प्रणाम बोला था? बोला चलो प्रणाम बोल है। सुबह सुबह आप क्या कर रहे हो अभी? ढोल? अरे पूजा भी करने लग गए आप तो। अभी जी अभी इधर तो देखो, आपको कैसे आता है ढोल बजाना? आता भी आपको? अरे ये कौन है बजाने वाला लड़का? इतना कॉन्सेंट्रेट होके बजा रहे हैं। जय भगवान जी। हेलो 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 गाइस, कैसे आप सब? आई हो क्या सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज जाने वाली हूँ अपने मायके। तो जितने भी मैरिड वुमन है या जो भी लड़कियाँ हैं उनको तो पता ही होगा कि अपने मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है, जैसे कि मुझे है। तो अभी हम सब लोग जाने वाले हैं। मिस्टर जी एज़ यूजुअल लेटे हुए हैं, अपने फ़ोन के साथ बिजी हैं, और मैं यहाँ पे हूँ। अभी यहीं पर ही था, अभी खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो आज मैं जाने वाली हूँ बाइक के, इतने टाइम बाद। ओ गॉड, मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे क्या खुशी हो रही है। तो अभी हम फटाफट से रेडी होते हैं और अभी को दिखाती कि वो क्या कर रहा है। हम जब भी यहाँ पे कपड़ों को ड्राई कर रहे हैं तो अभी देख रहा है कि ये कैसे हो रहा है। अभी कैसे हो रहे हैं? गोल गोल कैसे घूम रहा है? गोल गोल वो ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे से डाइनिंग टेबल से चेयर निकाल के यहाँ पे रख के उसके बाद देख रहा है कि कैसा लग रहा है। अभी देखो ये तो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। कितनी खुशी हो रही है इसको? हाँ इतनी खुशी हो रही है क्या आपको? कैसे घूम ले? चलो हम लोग आज चिन्नू दीदी के घर जाने वाले। आपने बताया? बोलो गाइस दीदी के घर जा रहा हूँ। बोलो चिन्नू दीदी के घर जा रहा हूँ। ये तो गोल गोल घूम ले, गोल गोल। उसको अभी पता नहीं है इसलिए उसको एक्साइटमेंट उस चीज की है कि ये गोल गोल घूम रहा है। बताओ चलो चलो रेडी हो जाओ। दादी माँ चले गए? दादी माँ चलो, वो दादी माँ कहाँ है पूछो तो। बोलो जोर से बोलो दादी माँ। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ है, मतलब साफ क्या, बादल तो लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो जमीन पूरी सूखी हुई है। अभी अभी को देखो, अभी पहनने वाला है आज ये शर्ट और ये नीचे का जीन शर्ट और ये टोपी। टोपी कैसे पहनते? कैप कैसे पहनते बता दो तो। कैप बताओ, दिखाओ तो कैप। ये वाली कैप पहनोगे, दूसरी वाली कैप पहनोगे? ये वाली कैसे पहनते बता दो तो। ओए होए, ये स्मार्टी बॉय कौन है? बच अच्छे अच्छे, हाँ बच बच। वाव वाव, चलो अब फटाफट रेडी होते हैं। बोलो मैं गाइस मैं रेडी हो रहा हूँ। यहाँ देख ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। अब बोलो गाइस मैं रेडी हो। हाँ जल्दी फटाफट ऐसे कर दो, ऐसे 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 क्लिक करो। सो हम लोग निकल चुके हैं अपने मायके के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप पीछे ग्रीनरी आप देख सकते हैं और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है। अभी चल रहे आगे आगे, रुको रुको रुको, मम्मी और अभी चल रहे हैं आगे आगे। हम लोगों ने इतना रास्ता क्रॉस कर लिया, इतनी घास हो रही है यहाँ पे लेकिन गीला नहीं हो रहा रास्ता। ये देखो पापा जी पहुंच गए। चलो इधर इधर जा जा उससे आगे। देखो ब्लू कलर की वॉच। हम लोग बैठ चुके थे कार में और मायके जाने की जो मुझे खुशी हो रही थी ना, वो आप मेरे चेहरे से अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। बस जल्दी से पहुंच जाऊं।
आजू अरे मेरे बाबू आजू अभी बैठोगे अब ये ले पास में बोल था ठीक है कंचन अभी क्या हो रहा है टाइम बना बैठ चले ठीक है हां ठीक हो रहे जा अभी चलो ठीक है हां बस चलो बाबू बोचिलो में जा इक्की भाई इधर आजू इक्की भाई इधर आ मेरे चोलो बाबू मेरे चोलो सारा प्यार मिल रहा है अरे देखो पापा जी गाड़ी चलाएंगे चीनू ओह माय गॉड मैंने इस नज़ारे को इतना मिस किया है ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जितना मेरा मायका नज़दीक नज़दीक आ रहा था उतना मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा था कि कब मैं घर वालों से मिलूँ कब मैं आजा जल्दी मेरी बहना ठीक है ना तू ठीक हो रहे तू ठीक है कितने टाइम बाद यार रो भी रहा चुप तभी तो मिलने की बिछड़ने का दुख थोड़ी है इतने टाइम बाद अभी माँ माँ देखो प्रणाम बोलो प्रणाम बोलो को प्रणाम करना आज प्रणाम बोलो और अम्मा जी को भी बोलो पढ़ना जी को भी और बोल दो एक बार बच्चे चलो चीनू दीदी को पढ़ना बोलो चीनू दीदी को पढ़ना जल्दी बोलो नमस्ते माँ के साथ जाओ ना देखा माँ कैसे प्यार करती है आपको आप तो वहाँ से माँ माँ बड़ा बोलते हो अभी क्या हो गया सर मारे हो अभी जा